और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां के भिवाड़ी में सोमवार को ही 1.25 करोड़ की बैंक डकैती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में 6 बदमाश पिस्तौल दिखाते हुए 25 कर्मचारी और 7 ग्राहकों को बंधक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने बंधक बनाए गए लोगों को स्ट्रांग रूम के सामने घुटनों के बल बिठा दिया। वहीं बैग कम पड़ जाने के कारण वो 1.5 करोड़ रुपए बैंक में ही छोड़ गए। दरअसल रीको चौक एक्सिस बैंक में 6 हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 90,43,000 और करीब 25 लाख का सोना लूट कर ले गए। हालांकि जल्दबाजी में बदमाश नोटों से भरा छोटा बैग वहीं छोड़ गए, जिसकी चेन बंद नहीं हो सकी। बदमाशों ने 16 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश सुबह करीब 9:30 बजे बैंक में घुसे और 9:46 पर कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। बैंक में गेट पर गार्ड महेश शर्मा खड़ा था। गार्ड के पास हथियार तक नहीं था। डकैतों ने अंदर घुसते ही महेश के सिर पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद बैंक मैनेजर अजीत यादव के चैम्बर में पहुंचे और उन्हें बट से मारा। मैनेजर ने बताया कि महज एक ही मिनट में सभी स्टाफ को बंधक बना लिया गया। सभी को एक साथ खड़ा कर दिया गया और हाथ खड़े करवा दिए। मोबाइल भी छीन लिए गए। किसी को शक ना हो, इसके लिए एक डकैत गेट के बाहर खड़ा रहा और एक एक को बैंक में एंट्री देता गया। बैंक मैनेजर अजीत यादव, ऑपरेशन हेड चिराग व कैशियर विवेक पर गन तान कर स्ट्रांग रूम की तरफ ले गए, जहां से इन्हीं से ताला खुलवाया गया। स्ट्रांग रूम से 2000 और 500 की नोटों की गड्डियों को बैग में भरा। कुल 90,43,000 रुपए कैश 3 बैग में भर लिए। वहीं बैंक में गिरवी रखा हुआ करीब 25 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी भी ले गए। मामले में एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि पुलिस अभी कुछ बता नहीं सकती है, टीम पड़ताल में लगी हुई है। वहीं डकैती के बाद मैनेजर अजीत यादव ने पुलिस को जानकारी दी, जहां बदमाशों के लिए अब 4 टीमें पुलिस ने बनाई है। बताया जाता है कि अभी तक आरोपी का पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही डकैती का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं डकैतों के हरियाणा की तरफ भागने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।